मैं इससे थोड़ा ज़्यादा गैप रखूंगा और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कम जगह में टर्न हो गया। देखिए मैं सेकंड गियर में आ चुका हूँ। पार्किंग के लिए जब भी आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं ना, आपको उस गाड़ी को जो है पहले हल्का सा क्रॉस करना है। देखिए और सीधा कब करना है स्टेयरिंग, जब आपकी गाड़ी जो है पार्किंग उसमें एंटर हो जाएगी। देखिए मैं वाइट लाइन के लेफ्ट में हूँ अभी, और देखिए ये अभी थोड़ा सा इधर आया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा हॉर्न का यूज़ करा। ऐसे में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, आगे कुछ भी विजिबल नहीं होता है आपको। गाड़ी को लगा दूंगा सेकंड गियर में। अब देखिए क्रॉल करते हुए गाड़ी चलेगी। फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट जब तक ए पिलर के राइट में नहीं गया, अब चला गया ना, ब्रेक मारने का टाइम मिल जाएगा। अब देखिए दरवाज़ा खुल रहा है ना, मैं इसको सामने वाली गाड़ी को लेफ्ट में करूँगा। देखिए स्टिकरिंग के, देखिए अब मेरी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। इसीलिए स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि जब ये गाड़ियाँ टर्न होती हैं ना, इनका रियर एंड जो है बाहर निकल के आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई क्या आपको भी ना, जब आप ट्रैफिक का सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलानी, तो नर्वसनेस होती है, तो मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी कैसे चला पाऊंगा? तो चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना भीड़ भाड़ वाली जगह में चलते हैं, बिल्कुल मार्केट एरिया में चल के देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को चलाना है जजमेंट लेते हुए। अब जजमेंट का भाई, जो लोग पहले से चैनल में नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई मैं क्या करता हूं ना, अपने फ्रंट का जो डैशबोर्ड है ना, इसको हाफ में डिवाइड करता हूं और हाफ में डिवाइड करके ना एक मार्किंग वहां पे ले लेता हूं ग्लास के बॉटम एज में, फ्रंट में। देखिए वाइट स्टिकरिंग मैंने वहां पर करी है। अब मैं करता क्या हूं ना, फ्रंट के कोई भी ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, पोल है, कोई जानवर है, आदमी है, टू व्हीलर है, उसको जब तक ये सेंटर के लेफ्ट में नहीं चला जाता ना, तब तक मैं उसे ओवरटेक नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी टच हो सकती है। अब जैसे ही वो सेंटर के लेफ्ट में चला जाता है ना, तो मेरी गाड़ी में और उसमें काफी ज्यादा स्पेस मेंटेन हो जाता है, जिससे मैं उसको ईजिली ओवरटेक कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट साइड का जजमेंट। और जब मैं उसे ओवरटेक करता हूँ ना, जब वो सेंटर के लेफ्ट में चला जाता है, तो उसके और मेरी गाड़ी के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, मतलब कम से कम 1-1.5 फीट का डिस्टेंस रहता है, तो सेफली निकल जाती है, ORVM भी टच नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, अब राइट साइड में देखिए संकरी जगह में जब हम चल रहे हैं ना, तो राइट साइड भी हमें बचानी होती है कि सामने से गाड़ी आ रही है, क्या हमें गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट में करके निकालनी है या स्ट्रेट निकालनी है, वो अंदाज़ा कैसे आप लेंगे? उसके लिए राइट साइड का जजमेंट काम आता है। देखिए राइट साइड का जो ये ए पिलर है ना, ये राइट साइड का जो बिल्कुल एज है ना फ्रंट को, उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसकी मार्किंग है। उससे भाई आपको जो है फ्रंट वाली गाड़ी को राइट में रखना है, तो भाई ये ए पिलर जो है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। इसका जो ये बॉटम एज है ना, जहाँ पर एक ग्लास में मीट करता है, उसको आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है राइट साइड के लिए, और सामने वाली गाड़ी को ना हमेशा इसके राइट में रखना है, जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है लेफ्ट राइट जजमेंट करते हुए। और टर्न अगर कहीं पर आपको गली में एंटर होना है या यू टर्न लेना है, तो जहाँ से आप यू टर्न ले रहे हैं, सपोज मुझे लेफ्ट से यू टर्न लेना है, तो लेफ्ट साइड का जो ये फ्रंट का ग्लास है ना, इसको मैं हाफ डिवाइड करूंगा, मतलब हाफ ग्लास को क्रॉस होने दूंगा उस ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पोल है चाहे वो डिवाइडर है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरी गाड़ी कम जगह में टर्न होगी ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं चलते चलते आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कैसे मैं देखिए क्लच को रिलीज करूंगा, फर्स्ट गियर डाला, मैं स्टार्टिंग में एक्सेलरेट नहीं करता हूं, क्योंकि होता क्या है ना, एक्सेलरेशन से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे मैं क्लच को छोड़ूंगा गाड़ी गियर में आएगी तो गाड़ी झटका देगी। अब फर्स्ट गियर में स्पेशली देखिए गाड़ी अपने आप से उठ जाती है, अभी उठी, थोड़ा सा स्पीड गेन कर लीजिए आप। देखिए मैं हल्का सा एक्सेलरेशन को दे सकता हूँ, देखिए हल्का सा एक्सेलरेट करा, सेकंड गियर में गाड़ी आ गई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये स्मूथ तरीका है गाड़ी को उठाने का। जब आप ऐसे गाड़ी को उठाएंगे ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ईजिली जो है आपकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी और आपको झटका नहीं लगेगा। अब देखिए मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ, मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी गाड़ी को हाफ एक्सेलरेटर में चलाता हूँ, मतलब मैं हल्का सा टैप करके रखता हूँ, जिससे मेरी गाड़ी ईजिली स्पीड पिक कर लेती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार में बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है, देखिए बहुत कंजेस्टेड जगह है, देखिए लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, और देखिए बिल्कुल कॉर्नर में मैं गाड़ी को लगा के दिखाऊंगा एक बार में। इसके लिए भी आप अपनी गाड़ी का जजमेंट ले सकते हैं। देखिए जजमेंट कैसे, जितना कॉर्नर में आपको अपनी गाड़ी को लगाना है ना, तो अपनी ये लेफ्ट साइड की जो मार्किंग है, इसको एक्सट्रीम कॉर्नर में आप मैच करिए। देखिए कॉर्नर में जो भी आपको जगह दिख रही है सेफ पॉइंट, कि भाई वहाँ तक मेरी गाड़ी का टायर जा सकता है, वहाँ तक मुझे विजिबल है, तो वहाँ तक अपनी गाड़ी को ले जाइए, और उससे आपकी गाड़ी ना एक बार में बिल्कुल अच्छे से पार्क होगी। देखिए बिल्कुल वाइट लाइन के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। जब आप अपनी गाड़ी को इस तरह से पार्क करेंगे ना, तो स्पेस में भी आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, कॉर्नर में जाके आपकी गाड़ी लगेगी। अब आगे भीड़ है ना, देखिए लेफ्ट राइट का जजमेंट आप देखते हुए चलिएगा। फोर्थ गियर में आ चुकी है गाड़ी, देखिए देखिए टू व्हीलर वाले ना कई बार मिरर यूज नहीं करते, होते ही नहीं है, निकाल देते हैं, तो इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब सामने वाले ऑब्जेक्ट को भी ना मैं स्कैन करता रहूँगा। देखिए मैं वाइट लाइन के लेफ्ट में हूँ अभी, और देखिए ये अभी थोड़ा सा इधर आया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा हॉर्न का यूज़ करा। देखिए ईजिली आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए स्लो चलेंगे ना, तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस बना पाएंगे गाड़ी चलाते हुए, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
अभी तो भीड़ कम है ना, आगे पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप देखेगा कि सही तरीके से आपको गाड़ी को कैसे चलाना है। दो ही चीज़ें होती हैं भाई, एक तो आपको अपनी गाड़ी का क्लच का कंट्रोल रखना है, मतलब आप लोअर गियर में चलेंगे ना तो आपको क्लच में कम ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड या फोर्थ में चल रहे हैं ना भीड़ में, तो हल्की सी गलती हुई और आपकी गाड़ी झटका लेके खचाक से बंद हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब उसके लिए देखिए सही तरीका आपको बताऊँगा। देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपको जो है अपनी गाड़ी को, जैसे ही आपको भीड़ दिखी है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है ना, सेकंड गियर में शिफ्ट कर लीजिए। अगर फर्स्ट में नहीं करना चाह रहे हैं देखिए, और स्लो रखिए। अभी ये जो है मेरे बिल्कुल राइट की तरफ है, देखिए सेंटर मार्किंग है, तो अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लोग भी आने लग गए, मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ, अभी मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है। अब देखिए अब जो है मैं गाड़ी का सेकंड गियर लगा दूंगा। देखिए ये फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट जब तक ए पिलर के राइट में नहीं गया, अब चला गया ना, अब मैं ईजिली ओवरटेक कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जो है मैं थर्ड गियर लगा दूंगा गाड़ी का। देखिए लेफ्ट राइट में दोनों तरफ स्कैन करता रहता हूँ ना ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर आ रहा है गाड़ी के आगे, चाहे वो आदमी है चाहे गाड़ी है, उससे क्या रहता है ना, गाड़ी सेफ रहती है। अब कई बार ना लोग ध्यान नहीं देते, मतलब वो दूर देख रहे होते हैं, नज़दीक से कोई आदमी फट से टकरा जाता है, तो वो गलती ना हो स्पेस मेंटेन करिए। देखिए आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस रखेंगे ना तो वो ब्रेक लेगा, आपको भी ब्रेक मारने का टाइम मिल जाएगा। अब देखिए दरवाज़ा खुल रहा है ना, थोड़ा सा क्लोज कॉल हो जाती है ज़रा मार्केट एरिया में, ध्यान रखना पड़ता है आपको। ईजिली मैं अपनी गाड़ी को निकालूंगा। देखिए अगर आपको जगह नहीं मिल रही है ना, सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप ब्रेक ले लीजिए। अगर आप ब्रेक ले लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ईजिली अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे। अब देखिए मैं इस गाड़ी की जो है बहुत ही क्लोज पे लगाऊंगा गाड़ी को। देखिए अब इतना मुझे क्लोज लगाना है कि इसका जो बम्पर है ना ये कवर हो जाए मेरे ग्लास से, ये भाई सेफ डिस्टेंस होता है। इसके बाद मैं इसको सामने वाली गाड़ी को लेफ्ट में करूंगा। देखिए स्टिकरिंग के, देखिए अब मेरी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। देखिए स्टीयरिंग मैंने सीधा करा, देखिए बगल में देखिएगा आप, एक बार में निकल गई बड़े प्यार से। ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पर रोकना है तो पहले से आप एंटिसिपेट करिए, सडन ब्रेकिंग आपको कभी नहीं लेनी है भीड़ वाले इलाके में, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी ना कई बार तैयार नहीं होती है। अगर उन्होंने आपकी टेल लाइट या ब्रेक लाइट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो वो पीछे से आपको हिट कर देंगे और पिछली साइड जो है आपकी डेंट आ जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैं गाड़ियों को ना लेफ्ट राइट करने पर लगा हुआ हूँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी स्पेस नहीं है, देखिए ये राइट के अंदर है अभी। देखिए अब जाके बाहर चली गई। अब मैंने गाड़ी का फिफ्थ गियर लगा दिया, थोड़ा सा आगे हल्का सा स्लोप सा है। देखिए अब मैं स्लो स्लो गाड़ी को चलाता रहूँगा। देखिए ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है, मतलब इतना स्लो नहीं चलाना है, मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा ना, उसके लिए मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। देखिए अब गाड़ी आपकी वाइब्रेट करेगी अगर आप ओवर गियर में चल रहे हैं। देखिए मैं 35 की स्पीड में फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ, अगर मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी जो है झटका नहीं देगी। पर अगर मैं इसी गियर में जो है, देखिए स्पीड ब्रेकर आया, तो अगर मैं फिफ्थ गियर में कम स्पीड में चल रहा हूँ और एक्सेलरेट करूँगा ना तो मेरी गाड़ी वाइब्रेट करेगी, तब मुझे डाउनशिफ्ट करना है। पर मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ। देखिए और स्पीड ब्रेकर में हमेशा कोशिश करें एक गियर डाउन कर लें। अगर आप फोर्थ या फिफ्थ गियर में निकालने की कोशिश करें तो आप क्लच पे ही स्ट्रेस डालेंगे और कुछ नहीं होगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए थर्ड गियर में मैं आ चुका हूँ, अब स्लोली स्लोली मैं चलूँगा, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाऊँगा, ऐसे ही आपको चलते रहना है। देखिए सारे जजमेंट ईजी हो जाते हैं जब आप इस तरह से गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अभी देखिए बाइक वाले भाई लेफ्ट राइट दोनों तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नहीं करनी है कभी भी, मतलब रॉन्ग साइड से आप बिल्कुल भी निकलने की कोशिश ना करें कभी भी। अब आगे पे ना फिर से और ज़्यादा कंजेशन होगा, साथ ही साथ चढ़ाई भी लगेगी। अब देखिए साइड से ना बस आ रही है बहुत तेज़, इसको मैं साइड दे दूँगा, पर अभी साइड है नहीं तो भाई मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ा कहीं स्पेस मिलेगा ना, मैं इसको जाने दूंगा। अब मैंने इसे जाने दिया। अब भाई इस टाइम में थर्ड गियर में चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो स्लो चलता रहूँगा ना। अब देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप कहीं अप्रोच कर रहे हैं ऐसे वही कंजेशन में, देखिए तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, एकदम गाड़ी घुसाने की कोशिश मत करिए। शुरुआत के दिनों में ना आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो सकती है, इसीलिए अपनी गाड़ी को स्लो चलाते रहिए। देखिए और सामने वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करिए। देखिए न्यूट्रल में मैं गाड़ी को लगा दूंगा, थोड़ा सा स्पेस आपको रखना है, इतना मत चिपका दीजिए कि अगर ये बस मुड़ रही होती ना तो मुझे प्रॉब्लम आ जाती।
क्योंकि आपको ना ऐसे में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, आगे कुछ भी विजिबल नहीं होता है आपको, मतलब आपको आगे दिखेगा ही नहीं कि कोई गाड़ी मुड़ रही है, कोई क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा एक तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करना है, और दूसरी चीज़ कभी भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं ना, तो आपको जो है स्पेस मेंटेन ज़रूर करना है सामने वाली गाड़ी से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अपनी साइड पे ही चल रहा हूँ। देखिए मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि भीड़ वाले इलाके में ना आप लेफ्ट राइट से निकलने की कोशिश ना करें। टू व्हीलर वालों को भी आप अलर्ट कर दीजिए कि भाई आप ओवरटेक कर रहे हैं, इस तरह से आप चलते रहेंगे ना स्लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चढ़ाई है, चढ़ाई में मैं सही टेक्निक बताऊँगा कि भाई आपको गियर शिफ्ट करना है, मतलब लोअर गियर में चलना है आप। देखिए इसीलिए स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि जब ये गाड़ियाँ टर्न होती हैं इनका रियर एंड जो है बाहर निकल के आता है। अब देखिए अंकल जी एकदम गाड़ी से निकले। अब देखिए यहाँ पर स्पीड काफ़ी ड्रॉप होगी ना। देखिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्पेस लूँगा। अब देखिए गाड़ी को लगा दूंगा सेकंड गियर में। अब देखिए क्रॉल करते हुए गाड़ी चलेगी, और अब फर्स्ट गियर, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड ना बहुत ज़्यादा कम है। देखिए अब मैं हल्का हल्का एक्सेलरेट करता रहूँगा, मैं हाफ क्लच में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई ट्रैफिक हल्का हल्का चल रहा है, तो सेकंड में मैं नहीं लगाऊंगा, वरना जो मुझे स्पीड है बढ़ानी पड़ेगी। बहुत कम स्पीड में चलने के लिए फर्स्ट गियर सबसे बढ़िया होता है। देखिए कंट्रोल में रहती है गाड़ी। अब मैं हल्का सा सेकंड गियर लगा दूंगा। देखिए आराम से गाड़ी जो है क्रॉल कर रही है। अगर आप आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे ना, तो आपको एंटिसिपेट करने का टाइम मिलेगा। एंटिसिपेट मतलब कि आगे गाड़ियां रुक रही है ना, तो आपको टाइम मिल जाएगा ब्रेक मारने का। अब बहुत ज़्यादा चिपक के चलेंगे तो आप सडनली ब्रेक मारते रहेंगे, और जैसे होता है ना कि एकदम रुक रुक के झटका लेते हुए गाड़ी चलती रहेगी, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। देखिए इसने ब्रेक लिया ना, मैं हल्का सा स्पीड को कम करूँगा, पर मैंने बिल्कुल तेज़ ब्रेक नहीं लिया, वरना मुझे क्लच दबाना पड़ता। देखिए हल्का सा मैं टैप कर रहा हूँ एक्सेलरेटर को, हल्का सा बिल्कुल। देखिए और देखिए 14 की स्पीड में आराम से गाड़ी चल रही है बम्पर टू बम्पर में। अब देखिए लेफ्ट वालों का तो भाई इस टाइम मुझे ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ, तो वो अपने आप निकलते रहेंगे। राइट साइड का मुझे ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी राइट साइड से ज़्यादा नज़दीक ना आ जाए, जिससे मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा अंदर की तरफ दबाना पड़े। देखिए मैंने थर्ड गियर लगा दिया, और ईजिली जो है चढ़ाई वाला इलाका और बम्पर टू बम्पर वाला ट्रैफिक वाला इलाका भी क्रॉस हो गया। देखिए मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पे, सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट कर दूँगा। देखिए ब्रेक भी लेते हुए चलिए। देखिए अभी सेकंड गियर पे रहूँगा मैं, क्योंकि गाड़ी रुक नहीं रही है ना। अभी चल ही रही हैं गाड़ियाँ। अब मैं फर्स्ट गियर लगा दूंगा। ये आराम से मैं सेकंड गियर में चलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत कंजेशन हो चुका है ना यहाँ पे, टू व्हीलर का भी आपको ध्यान रखना है। स्लो चलेंगे आप। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, देखिए एक्सेलरेट करूंगा, अब जाके मैं अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में शिफ्ट करूंगा। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। देखिए भीड़ चाहे कितनी भी हो ना, जब आप अपनी गाड़ी को लेके वहाँ स्पेस में एंटर हो जाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो स्पेस आपका हो जाता है। मतलब उतने में आप आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब देखिए इस तरह से ही आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए। अब मैं साइड में अपनी गाड़ी को रोक के दिखाऊंगा आपको। देखिए आपको रोकना कैसे है गाड़ी को, एक बार में बिल्कुल अंदर पे लगाएंगे। जब भी आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं ना, हमेशा मैंने कहा था आपको मार्किंग मैच करनी है। देखिए अभी मैं लेफ्ट में लगा रहा हूँ ना, इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को रोकना है एक बार में ही व्हाइट लाइन के अंदर। और जब उठाएंगे दोबारा, देखिए एक्सेलरेट आपको नहीं करना है, और पीछे ज़रूर देखना है। देखिए गाड़ियाँ आ रही है ना अभी, मैं क्लच को हल्का हल्का रिलीज़ कर रहा हूँ उससे, कि और एक गाड़ी ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। देखिए ईजिली अब मेरी गाड़ी, इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को पिक करना है, रोकना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे से ना मैं आपको यू टर्न करके बताऊंगा कि जब आप यू टर्न लेते हैं ना, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पर पहले हम जंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जंक्शन में जब आप आएंगे ना, तो गाड़ी जो है चारों तरफ से आ सकती है, तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, स्पीड को कंट्रोल करिए, ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश मत करिए। अगर कोई जा रहा है ना स्पीड से, तो उसको आप जाने दीजिए पहले, ताकि आपको जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए, ये रहिए क्रॉस करने के लिए। तो ज़्यादा स्पीड अगर आप रखेंगे ना, तो आपको वही सोचने का समझने का टाइम नहीं मिलेगा स्टार्टिंग के दिनों में। अब जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको भाई गाड़ी चलाने में एक्सपर्टीज़ है, उनको ये चीज़ें बहुत बचकाना सी लगती होंगी ना, पर शुरुआत के दिनों में आप याद करिए कितनी प्रॉब्लम होती थी जब हम गाड़ी चलाते थे ना। छोटी छोटी चीज़ें भाई इरीटेट हो जाते थे हम, कि भाई अब भाई साइड से कोई निकल रहा है, फिर हम चल नहीं पा रहे हैं, हमें साइड नहीं मिल रही है। ठीक है अब मैं डिवाइडर की तरफ ही रखूँगा, मुझे आगे से यू टर्न लेना है, तो मैं यू टर्न का आपको बता दूंगा। मैंने आपको पहले बताया था हाफ विंडो को क्रॉस करना है। अब मैं यहाँ से आगे से राइट की तरफ टर्न लूँगा ना,
तो मैं राइट साइड की तरफ का ये ग्लास है ना फ्रंट का, इसको डिवाइड करूंगा हाफ में और देखता रहूंगा भाई डिवाइडर जैसे ही क्रॉस हो जाएगा फिर मैं टर्न लेना स्टार्ट करूंगा। अब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है ना एक तो अपने गियर को डाउन शिफ्ट कर लेना है। अब डाउन शिफ्ट करके चलेंगे ना तो आपको अच्छे से टर्न लेने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, डिवाइडर से या कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से आप टर्न ले रहे हैं ना आपको गैप रखना है। आप देखिए गाड़ी ने ना ज़्यादा गैप नहीं रखा, मैं इससे थोड़ा ज़्यादा गैप रखूँगा और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कम जगह में टर्न होगी। देखिए मैं सेकंड गियर में आ चुका हूँ, देखिए मैंने स्पेस रखा है ना, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई, देखिए कितने परफेक्ट तरीके से, देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी टर्न हुई बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सही तरीका है गाड़ी को टर्न करने का। देखिए कितनी भी भीड़ हो ना कंट्रोल रखिए, लोअर गियर में था ना मैं तो मुझे ज़्यादा बाद में क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर क्या है कि भाई मैं गियर ही डाउन शिफ्ट करने पे लगा रहा और फिर मुझे स्टीयरिंग काटने का टाइम नहीं मिला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे अगर आप गाड़ी को चलाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम बाद गाड़ी का अच्छे से आइडिया आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दोबारा बताऊंगा। देखिए आप किसी भी गली में एंटर हो रहे हैं ना आपको सबसे पहले टर्न सिग्नल ज़रूर यूज़ करना है। देखिए अगर आप लेफ्ट राइट मुड़ रहे हैं, अब मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा हूँ ना, देखिए टर्न सिग्नल यूज़ करके मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मर्ज करूँगा, देखिए इस तरह से, तो पीछे वाला ना अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये बंदा अपनी गाड़ी को जो है मोड़ रहा है। स्पेस ज़रूर मेंटेन रखिए। अब देखिए मैं सेकंड गियर में आ चुका हूँ क्योंकि मुझे गली में एंटर होना है। देखिए हाफ क्रॉस हुआ, इस तरह से स्लो चलते रहिए आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब यहाँ पर देखिए मैं पार्किंग का आपको बताता हूँ। पार्किंग के लिए जब भी आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं ना आपको उस गाड़ी को जो है पहले हल्का सा क्रॉस करना है। देखिए अब मुझे यहाँ पर पार्किंग मिली है ना, देखिए मैं अपनी गाड़ी को पूरा क्रॉस करवाऊंगा। देखिए टेल एंड मेरा क्रॉस हो गया, अब मैं अपनी गाड़ी को पूरा बाहर की तरफ टर्न करना स्टार्ट करूंगा जब तक बगल वाली गाड़ी की टेल लाइट मुझे विजिबल नहीं होती। ये देखिए अब इस मिरर में हो चुकी है मुझे टेल लाइट विजिबल, अब मैं अपनी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए कितने अच्छे से मेरी गाड़ी टर्न होगी। देखिए आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, देखिए स्पेस भी मेंटेन है, मैं इससे ज़्यादा नज़दीक भी लगा सकता था पर मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया कि इस तरह से आपको हमेशा अपनी गाड़ी को एडजस्ट करना है। मतलब जिस तरफ का आप रेफरेंस लेके गाड़ी को लगा रहे हैं ना उस तरफ का आपको ध्यान रखना है कि भाई वो ऑब्जेक्ट आपके रियर व्यू मिरर पे विजिबल होना चाहिए। देखिए मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहले मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको भाई बगल वाले ऑब्जेक्ट से स्पेस रखना है। अब मैं स्विफ्ट के बगल में लगा के दिखाऊंगा। देखिए अब देखिए मैं अपनी गाड़ी का जो रियर एंड है ना इसको भी पूरा क्रॉस करवाऊंगा इस गाड़ी से, बगल वाली गाड़ी से। देखिए अब मेरा रियर एंड क्रॉस हो चुका है ना, अब मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ टर्न करना स्टार्ट करूंगा। देखिए अब कितना टर्न करना है कि उसकी जो टेल लाइट है ना मुझे अपने मिरर में विजिबल ना हो जाए। देखिए होने लग गई, देखिए अब हो गई है ना। अब मैं अपनी गाड़ी को देखिए रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा और सीधा कब करना है स्टीयरिंग, जब आपकी गाड़ी जो है पार्किंग उसमें एंटर हो जाएगी। देखिए अब एंटर हो चुकी है ना, अब देखिए स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए। इस तरह से गाड़ी लगती है पार्किंग स्पेस में बढ़िया तरीके से। ये होती है पैरेलल पार्किंग। आपको अपनी गाड़ी को बगल वाली गाड़ी से क्रॉस करवाना है। अगर यहाँ पर दूसरी गाड़ी होती ना तो मैं उसके रेफरेंस से गाड़ी को लगाता जिससे दिक्कत नहीं होती, पर आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी को बगल में कहीं लगा रहे हैं ना। अब देखिए जैसे ये गाड़ी है ना, देखिए अब इस गाड़ी का देखिए मैंने ORVM इसके एंड से मैच करूंगा। अब मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ निकालूंगा जब तक इसका जो टेल लाइट है मुझे मिरर पे विजिबल नहीं होता है। देखिएगा देखिए अब होने लग गया। देखिए अब मैं अपनी गाड़ी को पीछे करूंगा, थोड़ा ही आगे पे गाड़ी है ना। और कब सीधा करूंगा स्टीयरिंग को, जब मेरी गाड़ी पार्किंग में एंटर हो जाएगी। अब देखिए अब एंटर हो चुकी है ना, अब देखिए अब मैं सीधा स्टीयरिंग कर सकता हूँ गाड़ी का। देखिए कितना बढ़िया तरीके से गाड़ी लगी है। देखिए ये होती है पैरेलल पार्किंग, बहुत इजी होता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे सारे जजमेंट आपको इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आपके मन में आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।